अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बर्फबारी का थर्ड डे है, फिर भी आपको साइडों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ नजर आ रही होगी। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, लेकिन हम लोग जलील हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है बर्फबारी में रहना। रात को जितनी मर्जी हीटर चला लो, हीटर से डर लगता है, सर्दी लगती है। फिर भी कंबल मोटे मोटे ले लो, फिर भी जैसे मुंह बाहर निकालो लगता है बर्फ ऊपर आ गई है। बर्फबारी में एक्चुअली काम बढ़ जाता है इंसान का, बट प्लेजेंट वेदर होता है, काइंड ऑफ प्लेजेंट, नॉट 100% प्लेजेंट। अभी सुबह सुबह का टाइम है, हमारी सुबह सुबह है, मतलब 10 बज रहे हैं, 10:15, लेकिन है सुबह सुबह हमारी। तो हम अभी लैब जा रहे हैं, आज ज़्यादा लेट हो गए हैं। पहले हम अक्सर लेट हो जाते हैं, 9:30 तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा लेट हो गए। तो बच्चे को ड्रॉप किया है बेबी डे केयर सेंटर में, अब हम जा रहे हैं अपनी लैब्स को। और आज के नया दिन, नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया हमने। देखो दिन भर का क्या मामूल रहता है, आपको अपडेट करेंगे। और इस अपडेट के साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इवन अगर हो सके हेल्प मी और अपने दोस्तों को मेरे चैनल का लिंक सेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाएं। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी की ओल्ड बिल्डिंग है, सामने वाली ओल्ड बिल्डिंग है, ये इसकी लाइब्रेरी है, इसका नाम है रेड लाइब्रेरी। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसकी उल्टी साइड दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक साइड दिखा के एक व्लॉग पूरा करना चाहता हूँ। सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर शाम तक, अपना व्लॉग कंप्लीट करते हैं 2 दिनों में 3 दिनों में। मैं एक प्लान किया है कि जो व्लॉगिंग होगी मैं हफ्ते में एक व्लॉग अपलोड किया करूंगा, मैक्सिमम दो नहीं करूंगा, कभी कभी दो कर दूंगा, अदरवाइज एक ही अपलोड किया करूंगा। और बाकी जो मेरे चैनल पे काफी सारा कंटेंट है, मतलब एनिमल्स का है, फार्मिंग का है, फूड का है और व्लॉगिंग है, तो उसमें हफ्ते में कुछ और अपलोड कर लिया करूंगा अगर टाइम मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मेरे लिए चैनल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको बताता चलूं, ये जो रेड है, रेड रोड, इसका मतलब है कि आपको ड्राइव करना है स्लो, यानी अंडर 30 जाना है या मैक्सिमम 30 जाना है। अगर यहाँ पे कैमरा होता और आप 30+ जाते तो आपका चलान हो जाता, जो कि पाकिस्तानी रुपीस ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज होते। और ये जरा इन्होंने नया बनाया अभी ये सेंटर, ये जगह पहले ज्यादा कंफर्टेबल थी, कन्वीनियंट था ये प्लेस, अभी थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे टाइम लगता है, पहले हम उधर से डायरेक्ट लेफ्ट हैंड शॉर्टकट लेके आ जाते थे। अब यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं आई तो अभी तक यहाँ पे बर्फबारी मौजूद है। ये देखें, मैं चलो गाड़ी जरा स्लो करता हूँ, हैजर्ड लाइट ऑन करना, हैजर्ड लाइट। ओके, मैंने गाड़ी स्लो कर दी है और बाय लॉ मुझे हैजर्ड लाइट्स ऑन करनी थी। तो वेल गाइज, अब इवनिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट इवनिंग है, तो हम चलते हैं डाइसो, गाड़ी लेते हैं और फिर डाइसो निकलते हैं। डाइसो से कुछ चीज़ें लेनी है, आपको डाइसो के बारे में थोड़ा सा दिखा देंगे, बट होपफुली अगर डाइसो का कंप्लीट व्लॉग बनाया तो उसमें मैं फिर कंप्लीट अपडेट दूंगा। ओवरऑल डाइसो में तमाम ज़रूरत ज़िंदगी, खाने पीने के अलावा सब चीज़ें मिलती हैं, और चाइना वाला माल होता है, इन शॉर्ट चीपर प्रोडक्ट होती हैं, बट कन्वीनियंट है, इजी है, लॉन्ग टर्म हमने यूज़ नहीं करनी होती। रोड व्यू कराते हैं, रोड व्यू में साइड पे भी देखते हैं, साइडों पे देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो बड़ी पार्किंग है, लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग डबल स्टोरी नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करने के लिए ऑलमोस्ट 30 मिनट जो है गाड़ी फ्री है, उसके बाद चार्जेस हैं। बट अगर आपने डाइसो ही जाना है तो आप डाइसो की फ्री पार्किंग, जो जहाँ के अब मैं एंटर हो रहा हूँ, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जब गाड़ी एहतियात से चलानी है कोरिया में, कि आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी को बिल्कुल टच ना करे, नहीं तो बड़ा बेहतरीन फाइन पे करेंगे आप और मजेदार तरीके से रहेंगे। इनका फाइन थोड़ा नहीं होता, फाइन पाकिस्तानी लाखों में होता है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पार्किंग देख रहा हूँ। ओके, मैं पार्किंग कर दी है और साथ में चलते हैं अब अंदर डाइसो में। ये मैं डाइसो के बिल्कुल आगे खड़ा हूँ, डाइसो का मतलब है था इसोयो, था होता है तमाम, ईदो होता है हैव, था इसोयो मतलब सब कुछ है मेरे पास।
अभी मैं जा रहा हूँ एक मार्ट है जिसका नाम है नेशनल मार्ट, इंटरनेशनल मार्ट है वो। यहाँ पे आपको हलाल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ की ग्रोसरी आप कर सकते हैं। लिटिल कॉस्टली बट इजीली अवेलेबल है। तो उसमें जाते हैं, जो हमें चाहिए बस उसमें से लेके फिर फौरन निकलते हैं। ओके, हम अभी जा रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं उसके करीब ही 100 मीटर दूर हूँ। ये इशारा लगा हुआ है, लोग बड़े सुकून से आते जाते हैं जैसे इशारा लगता है, तसल्ली से, बेफिक्र होके। ओके, ये है वो मार्ट जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। ये देखें, हम अपनी गाड़ी इधर पार्क करेंगे, हम अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करेंगे, इधर नहीं, थोड़ा आगे, क्योंकि यहाँ पे रोड बंद हो जाएगा। यहाँ पे अलाउ नहीं है, बट फॉर लिटल टाइम आई गेस इट इज ओके। गाड़ी पार्क कर दी हमने और अब हम निकल के चलते हैं मार्ट की तरफ। आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, इस मार्ट पे आपको ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं और प्राइस जो है वो इट्स नॉर्मल है, इट्स नॉट टू कॉस्टली। ओके, आप जब भी ग्रोसरी करना चाहें क्वांगजू में रहते हुए, तो आप यहाँ से इजीली अपनी तमाम प्रोडक्ट जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग हैं वो खरीद सकते हैं। हमें जस्ट मीट चाहिए था, मीट चिकन चाहिए था, 2 पैकेट चिकन लिया है, वो मैंने ये नीचे रख दिया है। और सामने हम इस रोड से एंट्री लेंगे, लेकिन हमें वेट करना है जब तक इशारा बंद नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और ड्राइव सेफली, वो ही हेल्थ के लिए अच्छा है और आपकी पॉकेट के लिए अच्छा है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये कोरियन युग छनन है, पाकिस्तानी तकरीबन 700-800 रुपया बनेगा 1 किलो का। तो ये लेके जाते हैं, फिर कुछ चावल बनाने हैं, चिकन राइस बनाते हैं और वो मजे से खाते हैं। आपको सेफ ड्राइव करना है तो थोड़ा सा स्लो और थोड़ा वेट के साथ ड्राइव करना होगा। आप देख सकते हैं कि इशारा जो है वो रेड है, जिसकी वजह से सिग्नल पे रुका हुआ हूँ, तो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक कि मुझे इशारा नहीं मिलता या मैं पहुंच नहीं जाता। मुझे बस अभी अपने बेबी को पिक करना है, ऑलरेडी आई एम मच लेट, तो ऑलरेडी तकरीबन 30-40 मिनट ऊपर हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने बेबी को पिक करूँ, उसके बाद घर जाऊं या देखूंगा, अगर टाइम मिला, मतलब फिजिबल हुआ, तो शायद मैं साथ बेबी के साथ व्लॉग भी बना दूं। आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, दिस इज हाउ मी एंड माय डॉटर कम्युनिकेट। इहा, लुक, वी आर गोइंग होम, ये ये, आर यू एक्साइटेड, आर यू हैप्पी, ये ये, वी आर गोइंग होम, वी हैव वीकेंड, ये वाओ, से बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। असल में ये बात नहीं कर सकती अभी, जस्ट सेंटेंसेस नहीं, लव्स बोलती है, सेंटेंसेस भी बोलती है, बट वो बहुत बहुत कम अपनी मर्जी से, या बहुत खुश हो फिर बोलती है। इहा, वी आर गोइंग होम, ये ये ये, वी आर गोइंग होम, ये इहा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट हैपेंड, What happened? What happened? मैं पुत्र क्या गल है? मैं पुत्र क्यों या? दशना, ये मेरी अपनी मदर लैंग्वेज है। ओ नो नो, इट्स ओके, कोई गल नहीं, ऐसा पहुंच गया मैं पुत्र ऐसा पहुंच गया, कोई गल नहीं, बस पहुंच गया। मैं अक्सर इसे अपनी मदर टंग में बात करता हूँ और इंग्लिश में बात करता हूँ, कोरियन में भी बात कर देता हूँ, बट ट्राई कर रहे हैं कि ये 2-3 जबानें इकट्ठी बोल सके। और अभी मैं गाड़ी पार्क करता हूँ वरना कहीं ना टच ना हो जाए। इससे मुझे कहा है कि नो डैडा, नो नो डैडो, ओके चॉकलेट, किंडर चॉकलेट, टेक योर चॉकलेट, ओके दैट वन टू, चॉकलेट, नो नो दैट, नॉट दैट वन, ये ये, लेट्स गो टू द काउंटर, ओके गो टू द काउंटर, चल पेमेंट करा, चल गो टू द, गो दे, चल गो। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की टेप पड़ी है और हमें एक ट्रांसपेरेंट टेप चाहिए थी, मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि मेरे बेबी की बर्थडे है, उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन है, 14 को बर्थडे थी। ये एक मार्ट है, काकाओ मार्ट, इसमें आपको एडिबल तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, साथ में ग्रोसरी के साथ साथ आपको घर में यूज होने वाली ये आइटम, इवन टॉयलेट आइटम्स और किचन आइटम जैसे डिस्पोजिबल से, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे यहाँ से लेना था, एक तो लेनी थी ये टेप ले ली, दूध देखता हूँ, मैंने 2 पैकेट दूध ले लिए, बास्केट नहीं उठाई,
और जस्ट दूध ले लिया और साथ में टोटल तीन चीज़ें ली हैं मैंने। है ना, शिप ली था फोंक्यू चौंक्यू से यो शिप ली था फोन होगा ऐसे निकासा मी घुसा आए हो।